डियर स्टूडेंट्स एज यू नो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड्स सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट महाजनपदास एंड इट्स इम्पोर्टेंस टू एंशियंट हिस्ट्री तो आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपदों के बारे में और महाजनपदों का भारत के इतिहास में क्या महत्व है एंड रिगार्डिंग महाजनपद कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर महाजनपदों के बारे में बिफोर टू स्टार्ट अवर लेक्चर अबाउट महाजनपद हमको ये पता होना चाहिए कि महाजनपद क्या थे और जैसा कि हम पहले के लेक्चर में भी समझ चुके हैं कि महाजनपदों का उदय किस कारण से हुआ था हाउ डिड महाजनपदास कैम इन एग्जिस्टेंस वर पोलिटिकली यूनाइट पोलिटिकली बहुत यूनाइट थे उनका कैसे कैसे इमरजेंस हुआ ये हम समझने की कोशिश करेंगे आज ठीक है देखते हैं तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिग वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में छोटे छोटे पॉलिटिकल यूनिट्स बन, बनने लगे थे जिनको हम लोग कबीला कहते थे ऐसे ही कबीलों के ऐसे ही कबीले जितने भी बनते थे कबीला उस कबीले के हेड को कबीले का जो हेड होता था यानी कि कबीले के प्रमुख को अगर हम देखें तो लगभग लगभग राजा जैसा टाइटल दिया जाता था उसके पास वे सारी शक्तियाँ होती थी कि कबीले में किस चीज़ का विभाजन कैसे किया जाएगा कबीले में कौन कौन से निर्णय लिए जाएंगे तो उसके पास उस कबीले को एक स्टेट के रूप में चलाने की सारी शक्तियाँ होती थी और सबसे पहले लेटर वैदिक पीरियड के बाद जस्ट आए थे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कबीले आए थे उन सारे कबीलों को नाम दिया गया था जनपद तो अगर हम ये देखते हैं कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया देयर वर सो मैनी कबीलाज ऑफ दिस मैनर वहाँ ऐसे बहुत सारे कबीले थे और उन कबीलों को क्या कहा जाता था जनपद जनपद कहा जाता था कबीलों को और ये सारे के सारे जो जनपद थे इनकी संख्या मोर देन हंड्रेड थी जनपदों की संख्या सौ से भी ज़्यादा हुआ करती थी इस सौ से ज़्यादा जो जनपद फैले हुए थे पूरे उत्तर भारत के क्षेत्रों में वो सारे जनपद धीरे धीरे एक दूसरे से मर्ज होते गए तो याद रखेंगे जनपद में एक ही ग्रुप के लोग रहते थे जिनका एक कल्चर होता था उनकी एक एथनिकल ग्रुप्स थे उनका सेम कल्चर था सेम लैंग्वेज थी सेम सब कल्चर्स थे उनका रहन सहन एक जैसा था और एक ही प्लेस के होते थे लगभग लगभग तो उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती थी तो सेम कल्चरल यूनिट्स वर फाउंड इन डिफरेंट जनपदास लेकिन जैसे कि देखा गया कि कुछ जनपदों को समय के साथ साथ कुछ बहुत सारे जनपदों ने मिलकर के बड़े बड़े पॉलिटिकल यूनिट्स बनाना शुरू कर दिए और जैसे ही जनपदों को मिलाकर के बड़े बड़े पॉलिटिकल यूनिट्स बने उनको नाम दे दिया गया महाजनपद अब जनपद और महाजनपद में बहुत सारी विशेषताएं थीं जनपद एक छोटा एरिया होता था महाजनपद एक बड़ा एरिया हो जाता था महाजनपद में बहुत सारे जनपद मिलकर के काम करते थे जबकि जनपद में एक ही राजा होता था महाजनपद में भी एक ही राजा होता था लेकिन महाजनपद का एरिया बहुत बड़ा होता था और यही जो महाजनपद का एरिया है इसमें एक से ज़्यादा कल्चर के लोग रहते थे हम थोड़ा इसका डिफरेंस समझ लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा यहां पर लिखते हैं जनपद और यहां पर लिखते हैं महाजनपद जनपद एंड महाजनपद जनपदों की बात करते हैं तो देव आर मोर देन हंड्रेड यानी एक हजार सौ से भी ज्यादा महाजनपद थे अगर महाजन जनपद थे, जन्पद थे जनपदों की बात करेंगे तो वो केवल सोलह थे जनपदों का पूरे जनपद के जितने भी लोग होते थे उन सबका कल्चर सेम होता था कल्चर सेम कल्चर होता था यानी एक ही कल्चर होता था एक जनपद में महाजनपद की बात करेंगे तो वहां पर मोर देन वन कल्चर होते थे वहां पर मोर देन वन कल्चर होते थे ठीक यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पॉलिटिकल चीजें बहुत सिंपली थी पॉलिटी वाज सो सिंपल बहुत आसान थी राजनीतिक व्यवस्था बहुत सरल थी और यहाँ पर पॉलिटी कॉम्प्लिकेटेड थी कॉम्प्लेक्स थी कॉम्प्लेक्स पॉलिटी पॉलिटी थी ठीक है ये था तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ही कल्चर के लोग रहते थे तो इसको एक वर्ड इसके लिए यूज़ किया जा सकता था राष्ट्र और इसके लिए राष्ट्र वर्ड यूज़ नहीं किया जा सकता था इसके लिए यूज़ किया जा सकता था राज्य वर्ड आज के कंटेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो राज्य की परिभाषा पूरी करते थे जहाँ एक से ज़्यादा कल्चर के लोग रहते थे और एक ही पावर से कंट्रोल होते थे अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ एक ही अथेन्सिटी के एक ही निर्जातीयता के लोग रहते थे इसमें जनपद में तो जब महाजनपदों का उदय हुआ तो पूरे उत्तर भारत में बहुत सारे महाजनपद फैल गए वही हमको देखना है कि कौन कौन से महाजनपद <coughs> महाजनपदा का इंट्रोडक्शन आफ्टर लेटर वैदिक पीरियड देयर वाज राइज़ ऑफ सिक्सटीन पोलिटिकल स्टेट्स इन नॉर्दर्न इंडिया अंडर डिफरेंट रूलर्स कॉल्ड एक्सेप्ट वज्जी एंड मल्ला यहाँ पे दो महाजनपदों का नाम है वज्जी और मल्ल जिनके बारे में हम अभी समझेंगे वज्जी और मल्ल जैसे कि कहूं कि महाजनपद जितने भी थे सिक्सटीन उन सारे महाजनपदों को दो पोलिटिकल यूनिट्स में डिवाइड किया जा सकता था दो पोलिटिकल ग्रुप्स में कुछ ऐसे महाजनपद थे जिनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी पॉलिटिकल सिस्टम था वो मोनार्की था इसका मतलब है कि वहां राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी राजा का शासन चलता था जबकि कुछ ऐसे थे जहां रिपब्लिकन सिस्टम था जिसे गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहा जाता था तो अधिकांश जितने भी महाजनपद थे वो सब राजतंत्रात्मक के रूप में ही काम करना शुरू किए थे तो सारे के सोलह के सोलह राजतंत्रात्मक रूप से शुरू हुए थे लेकिन कुछ समय के बाद वज्जी और मल्ल ने गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया तो अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि कौन से महाजनपद थे जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था को नहीं मानते थे उनको कहते थे वज्जी और मल्ल तो ये दो ऐसे लोग थे जो इस सिस्टम को नहीं मानते थे वज्जी और मल्ल जैसे मल्ल हो गया और वज्जी हो गया ठीक है तो सारे महाजनपद दो भागों में बांटे जा सकते थे एक राजतंत्र को मानने वाले एक गणतंत्र को मानने वाले ऑल ऑल सिक्सटीन महाजनपद कैन बी डिवाइड इन टू डिफरेंट पैटर्न ऑफ पोलिटिकल स्ट्रक्चर एज आउट ऑफ सिक्सटीन ओनली टू वर फॉलो टू महाजनपद वर टू बी फॉलोड रिपब्लिकन सिस्टम एंड रिमेनिंग फोर्टीनस बार टू बी फॉलोड मोनार्की सिस्टम ये मोनार्की सिस्टम को फॉलो करते थे ठीक है चलिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं अब देखिए उत्तर भारत के क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में सोलह महाजनपद फैले हुए थे उन महाजनपदों का विस्तार कहाँ था कैसे कैसे था इनको अब लोग समझते हैं पहला महाजनपद है अवंती तो अवंती की बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि अवंती जो महाजनपद है उसकी दो राजधानियाँ थीं उज्जैनी और माहेशमती तो जो अवंती का क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश के उज्जैन के आसपास स्थित है और इसी उज्जैन के आसपास इसकी दो कैपिटल हुआ करती थी नॉर्दर्न कैपिटल एंड साउथ कैपिटल उत्तरी राजधानी और दक्षिणी राजधानी तो इसकी इन राजधानियों को अगर हम ऐसे देखते हैं उत्तरी और दक्षिणी तो उत्तरी राजधानी कौन सी थी उज्जैनी दक्षिणी राजधानी कौन सी है माहष्मी तो माहेशमती बास सदर्न कैपिटल और उज्जैनबाज नॉर्दर्न कैपिटल ऑफ अवंती अवंती महाजनपद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था क्यों क्योंकि अवंती की जो स्टेटिक लोकेशन थी वो सेंट्रल इंडिया में थी और आपको अगर साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया को कनेक्ट करना है या नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से कनेक्ट करना है ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट करना है तो सेंटर में एक पावरफुल महाजनपद था अवंती आगे चल के अवंती के विकास का यही कारण था है ना और यहां जो अवंती की कैपिटल है उज्जैनी ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है शिप्रा तो ये शिप्रा ये नदी के किनारे स्थित है ठीक है तो ये हो गया अवंती दैट वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर शिप्रा नेक्स्ट वन वाज मगध नेक्स्ट वन वाज मगध मगध के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो जितना भी हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं वो मगध से ही शुरू होता है जैसा कि मैंने बताया कि 16 महाजनपदों में से सबसे पावरफुल महाजनपद था मगध और मगध का धीरे धीरे करके राइज़ हुआ और मगध का राइज़ होता गया और मगध बहुत पावरफुल एम्पायर हो गया जो आगे चल के पूरे भारत पर शासन करने लगा तो मगध का एक्चुअल लोकेशन है अगर हम इसको देखेंगे तो आज का जो हमारा स्टेट है भारत है उसके स्टेट बिहार में है मगध बिहार है मगध और ये है एम पी में ये एम पी में है और ये बिहार में है मगध ठीक है मगध में जो पाटली इसकी कैपिटल है पाटलिपुत्र तो जो सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा है इसको बनाने वाले जो थे उनका नाम था उदयन और ये सिटी है एक रिवर के किनारे जिसका नाम है सोन ठीक है तो जो सोन नदी है उसके किनारे है पाटलिपुत्र तो पाटलिपुत्र सोन नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर है और यही मगध सबसे पावरफुल है जो आज के स्टेट बिहार के पटना के आसपास फैला हुआ था एक और इसका बड़ा महत्व है क्योंकि मगध के शासकों को सबसे पावरफुल शासक कहा गया तो राइज ऑफ मगध जब अपन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये सोलह जैसे जनपदों से महाजनपदों का निर्माण हुआ ऐसे ही उन महाजनपदों में से मगध ने एक साम्राज्य बनाया एम्पायर बनाया तो मगध बिकेम सो पावरफुल ड्यूरिंग द रूल ऑफ बिम्बिसारा तो हम बिम्बिसारा के बारे में समझेंगे ठीक है आगे चल के नेक्स्ट है अस्मक अगर हम अस्मक की बात करेंगे तो अस्मक का जो लोकेशन है इन कंटेक्सट ऑफ प्रेजेंट इंडिया आज के भारत के संबंध में तो इसका लोकेशन है महाराष्ट्र द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में तो यहां रिवर कौन सी है रिवर है गोदावरी गोदावरी नदी के किनारे हैं है ना यहां लिख लेते हैं महाराष्ट्र रिवर गोदावरी तो गोदावरी नदी के किनारे ये स्थित है ठीक तो ये महाराष्ट्र में स्थित है और याद रखेंगे इसकी जो साउथ लोकेशन है अश्मक की इसके नीचे इससे साउथ में कोई भी महाजनपद स्थित नहीं था यानी महाजनपदों का विस्तार दक्षिण में केवल अश्मक था और इसकी कैपिटल थी पोटली इसको पोटली या पोत्तन के नाम से भी जानते हैं पोटली इसका कैपिटल था तो ये तीन महाजनपद थे एक महाजनपद है मध्य प्रदेश के आज का उज्जैन जो शहर है वो और एक है बिहार का पटना का जो क्षेत्र है आजकल का वो और एक है महाराष्ट्र के पास नासिक का क्षेत्र है अस्मक वो तो ये दो तीन ऐसे महाजनपद थे जिनको हमने समझा है हमको सारे महाजनपदों के बारे में ऐसे ही समझना है नेक्स्ट अगला महाजनपद है काशी काशी की बात करेंगे तो ये आज का जो स्टेट है वो है यूपी तो यूपी में है काशी यूपी और यूपी का काशी का कौन सा रीजन है बनारस वाला रीजन बनारस ये बनारस के किनारे यहां पर बनारस में गंगा नदी भी है बनास नदी भी है और ये बेसिकली गंगा नदी के किनारे स्थित है द रिवर गंगा तो गंगा रिवर के किनारे स्थित है ठीक तो ये भी बनारस बहुत प्रसिद्ध है और इस काशी की राजधानी हुआ करती थी बनारस बनारस जिसे वाराणसी भी कहा जाता है ये उत्तर प्रदेश के आज सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है और इसे धर्म का केंद्र बनारस को कहा जाता है भारत में भारत में धर्म का उत्पत्ति स्थल भी बनारस को माना जाता है बनारस भारत के सांस्कृतिक शहरों में से एक है जहाँ की धरोहरें बहुत हैं और बना बनारस अ, जितना महाजनपद पीरियड में फेमस था उतना आज भी फेमस है बनारस ठीक है वाराणसी इसको कहा जाता है नेक्स्ट है कुरु कुरु की अगर हम बात करेंगे तो कुरु की जो जोग्राफिकल जो जो लोकेशन है वो है आज का दिल्ली और हरियाणा का क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा का क्षेत्र है ठीक और यहाँ जो रिवर बहती है उसका नाम है यमुना तो यमुना नदी के किनारे है और इसका कैपिटल था इंद्रप्रस्थ इंद्रप्रस्थ और जो इंद्रप्रस्थ कैपिटल है और इसको दिल्ली का पुराना नाम भी कहा जाता है ओल्ड नेम ऑफ दिल्ली इज इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम भी है तो ये भी पूछा जाता है तो ये हमने पांच महाजनपद देखे एक कौन से स्टेट में है कौन से स्टेट के किस स्थान पर है जैसे हम इसकी बात करेंगे वाराणसी की जो यूपी में है कुरु की बात करेंगे आज का दिल्ली और हरियाणा का क्षेत्र है इंद्रप्रस्थ जो कुरुक्षेत्र के आसपास था नेक्स्ट महाजनपद पर चलते हैं नेक्स्ट महाजनपद का नाम है चेदी <coughs> ये महाजनपद प्रेजेंट में मध्य प्रदेश के प्रेजेंट के मध्य प्रदेश में स्थित है प्रेजेंटली एमपी और एमपी में भी इसका रीजन है खजुराहो खजुराहो इसका क्षेत्र है और इसका कैपिटल था शक्तिमती ये भी है और ये ऑलमोस्ट बेतवा रिवर के किनारे स्थित है बेतवा रिवर के किनारे है खजुराहो और खजुराहो बहुत फेमस है चंदेल शासकों के लिए फेमस है खजुराहो चंदेल शासकों ने वहाँ पर बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं खजुराहो के मंदिर द्रवण शैली नागर शैली के सबसे श्रेष्ठ मंदिर कहलाते हैं यहाँ अगर आप समझें वर्तमान में एक अच्छा प्रश्न है कि यहाँ के जो टेम्पल हैं टेम्पल्स हैं बेस्ट नागर स्टाइल टेम्पल है बेस्ट नागर स्टाइल के टेम्पर हैं खजुराहो के मंदिर ठीक है और खजुराह के मंदिर कहाँ चेदी चेदी में है, चेदी जनपद का नाम है उसका कैपिटल था शक्तिमती और चेदी इसकी लोकेशन कहाँ है मध्य प्रदेश में स्थित है तो ये हमारा महाजनपद कहाँ स्थित है मध्य प्रदेश में इस महाजनपद का ऐतिहासिक बड़ा महत्व है इस महाजनपद में बहुत सारे शासकों के संबंध में मध्यकाल में प्राचीन काल में जानकारियाँ मिलती हैं लेकिन अभी हम केवल मध्यकाल महाजनपद काल का देख रहे हैं कि उस समय इसमें क्या था तो ये उस समय का जनपद था तो हमारे पास छह महाजनपद हम लोगों ने समझे हैं नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास महाजनपद इसका नाम है वज्जी जैसा कि मैंने बताया था बिगिनिंग में वज्जी, कि वज्जी की अगर मैं बात करूंगा तो ये आज के उत्तर प्रदेश में है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का कौन सा रीजन है पूर्वांचल ईस्टर्न ईस्टर्न यानी कि पूर्वांचल क्षेत्र में पूर्वांचल में है रिवर की बात करेंगे तो यहाँ मिथिला के पास जो रिवर बहती है उसका नाम गंगा ही है हुँ? तो गंगा रिवर के पास स्थित है और इसकी विशेषता ये थी कि इसकी जो इसका जो, जो स्ट्रक्चर था पॉलिटिकल वो कैसा था गणतंत्रात्मा रिपब्लिकन सिस्टम को फॉलो करते था रिपब्लिकन सिस्टम को फॉलो करता था तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित और ऐसा कहा जाता है तो वज्जी का जो कैपिटल है मिथिला और यही यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं यही इसको सीता का उत्पत्ति स्थल भी माना जाता है मिथिला के क्षेत्र को तो ये महाजनपदों में पूर्वी भारत में स्थित यूपी के पूर्वांचल में स्थित एक प्रमुख क्षेत्र था नेक्स्ट महाजनपद है इसका नाम है वत्स ये भी आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है यूपी और यूपी का रीजन है प्रयाग प्रयाग यूपी के प्रयाग क्षेत्र में स्थित है ठीक आज का जो इलाहाबाद है प्रयाग का क्षेत्र है वहीं स्थित है और इसका कैपिटल है कौशाम्बी कौशाम्बी इसका कैपिटल है ठीक और ये इलाहाबाद गंगा के किनारे ही स्थित है तो यहाँ पर भी जो रिवर आएगी वो कौन सी आएगी गंगा तो ये गंगा के किनारे स्थित महाजनपद है ठीक आज का जो वत्स का जो क्षेत्र है वो सेंट्रल इंडिया से शुरू होता था इलाहाबाद के आसपास से और जो वत्स का एरिया आज का जो मध्य प्रदेश है उसके नॉर्दर्न एरिया तक कवर करता था जैसे ग्वालियर के रीजन्स हैं बिंदिलखंड के बहुत सारे रीजन्स हैं ये वत्स महाजनपद के हिस्से हुआ करते थे तो वत्स्य महाजनपद भी ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा जनपद था जिसमें बहुत सारे हिस्से मिक्स थे और उसको कवर करते थे ठीक नेक्स्ट महाजनपद है इसका नाम है मल्ल इसका भी ज्योग्राफिकल लोकेशन आज के उत्तर प्रदेश में ही है और उत्तर प्रदेश में ही उत्तर प्रदेश का मध्य का क्षेत्र मध्य का क्षेत्र में स्थित है मल्ल मल्ल को कई कारणों से जाना जाता था मध्य की प्रसिद्धि कारण था कि यहाँ पर मल्ल समुदाय के लोग रहते थे मल्ल समुदाय के लोग रहते थे ठीक उनकी राजधानी हुआ करती थी कुशीनगर हालांकि मल्ल दो जगहों पर रहते थे कुशीनगर में भी रहते थे और पावापुरी में भी रहते थे मल्लों के मल्लों की संख्या बहुत ज़्यादा थी तो मल्लों ने अपने दो राज्य बना लिए थे कुछ मल्ल रहते थे पावापुरी में कुछ मल्ल रहते थे कुशीनगर में तो दोनों को मल्लों की राजधानी कहा जाता था कि मल्ल प्रदेश की दो राजधानियाँ हैं कुशीनगर और आ, पावापुरी ये था और आज के उत्तर प्रदेश में ही ये स्थित है ठीक ये बहुत प्रसिद्ध महाजनपद है जिसका बुद्ध काल में बड़ा महत्व था इसके बाद के महाजनपद हैं गांधार गांधार का ज्योग्राफिकल लोकेशन है आज के पाकिस्तान आज के इस रीजन में इस रीजन में इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन है गांधार का पाकिस्तान पाकिस्तान ठीक है और इसका तो प्राचीन इतिहास में बड़ा महत्व है चाणक्य के टाइम पर यहाँ सबसे प्रसिद्ध था तक्षला तक्षशिला इसका कैपिटल है तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी भी था यूनिवर्सिटी इसका मतलब है तक्षला एक विश्वविद्यालय था ठीक तक्षशिला जो बहुत प्रसिद्ध है और यहां बौद्ध शिक्षा का केंद्र भी इसको माना गया था बाद में बौद्ध शिक्षा का केंद्र भी था ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र भी था तक्षशिला ये भी बहुत प्रसिद्ध था तो ये ऐसा महाजनपद है जो आज वर्तमान में भारत की सीमा में स्थित नहीं है तो इसके बारे में अलग से इस चीज को कोट कर लीजिएगा भारत की वर्तमान सीमा से बाहर स्थित है स्थित है ठीक है तो यह महाजनपद वर्तमान भारत की सीमा में स्थित नहीं है वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित महाजनपद है, समझ गए नेक्स्ट वन कंबोज कंबोज महाजनपद के बारे में भी इसकी लोकेशन भारत के बाहर की है पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में स्थित है और इसकी कैपिटल थी हाटक और अगर हम इन दोनों के किनारे नदियों की बात करेंगे ये दोनों ही भारत, के सीमा में नहीं है, इसको भी लिखेंगे। भारत की सीमा में स्थित नहीं है तो ये भी भारत की सीमा में स्थित नहीं है ठीक अब ये जो महाजनपद भारत की सीमा में स्थित नहीं है तो दो नहीं है ऐसे एक है कम्बोज और एक है गंधार तो गंधार की राजधानी है तक्षला कम्बोज की राजधानी है हाटक और दोनों के बारे में ये कहा जाता है कि दोनों काबुल नदियों के किनारे स्थित है काबुल और सिंध नदियों के किनारे स्थित है ठीक है तो ये महाजनपद है जो भारत की सीमा में नहीं है इस पर स्टार बना लेंगे भारत की सीमा में नहीं है ये भी भारत की सीमा में नहीं है नेक्स्ट इज सूरसेन सूरसेन के बारे में पता करते हैं सूरसेन आज के यूपी में स्थित है यूपी और यूपी के आज के मथुरा में स्थित है उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है क्लियर तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित महाजनपद है जिसकी राजधानी थी मथुरा और नाम उसका सूरसेन था तो यह महाजनपद भी बहुत धार्मिक रूप से बहुत महत्व रखता था सोलह महाजनपदों में उत्तर प्रदेश में अधिकांश महाजनपद स्थित थे सोलह महाजनपदों में से देखा जाएगा तो अधिकांश महाजनपद उत्तर प्रदेश में ही स्थित थे और ये यमुना नदी के किनारे स्थित है इसकी जो रिवर है यमुना नदी के किनारे ये स्थित है चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब है हमारे पास अंग मत्स्य पंचाल और कौशल तो हम बारह महाजनपदों के बारे में समझ चुके हैं अब हमारे पास रिमेनिंग चार महाजनपद और हैं इसमें एक है अंग अंग महाजनपद आज के बिहार में स्थित है बिहार में स्थित है और ये मगध में शामिल होने वाला पहला जनपद था मगध का भाग था ये बाद में जाकर के मगध का ये भाग हुआ यानी मगध ने जब एक्सपांशन किया तो अंग पर कब्जा किया सबसे पहले है ना अंग पर कब्जा किया और उसके बाद आता है मत्स्य मत्स्य महा मत्स्य जो महाजनपद है इसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश में जो आज के यूपी में स्थित है उत्तर प्रदेश में स्थित है मतस ठीक है और इसकी कैपिटल थी विराट नगरी ये मतलब हाथियों को पाले जाने के लिए बहुत प्रसिद्ध था यहाँ हाथी बहुत बड़ी संख्या में पाले जाते थे नेक्स्ट महाजनपद है जिसका नाम है पंचाल पंचाल अगर हम बात करेंगे तो आज का ये राजस्थान का क्षेत्र है तो आज का ये राजस्थान का क्षेत्र है पंचाल जिसकी राजधानी थी छत्रपति या कांपिल ये उत्तरी राजधानी थी और ये दक्षिणी यानी साउथ की राजधानी थी तो पंचाल राजस्थान में स्थित महाजनपद है यानी ये कह सकते हैं कि वहाँ स्थित एकमात्र जनपद है राजस्थान में स्थित महाराष्ट्र में भी एक ही जनपद है लेकिन राजस्थान में भी एक जनपद था जहाँ पर शासन चलते थे एक महाजनपद हुआ करता था अब आता है कौशल का क्षेत्र कौशल के क्षेत्र की बात करेंगे तो ये आज के यूपी में स्थित है यूपी उत्तर प्रदेश तो ये यूपी का रीजन था इट वाज फेमस पर्टिकुलरली फॉर द पीरियड ऑफ लॉर्ड बुद्धा ड्यूरिंग लॉर्ड बुद्धा द मैक्सिमम sermons वर डिलीवर्ड एट दिस रीजन ऑफ कौशला तो इस कौशल के रीवर में सबसे ज़्यादा डिस्कस किए गए थे डिलीवर किए गए थे बुद्धा के द्वारा दिए गए प्रवचन कौशल की राजधानी है श्रावस्ती बुद्धा जब अपनी यात्रा पे थे तो अलग अलग यात्राओं पर बुद्धा ने अपने अलग अलग श्रवन उपदेश उपदेश दिए थे तो मैक्सिमम शर्वन मैक्सिमम उपदेश और द शर्मन ऑफ लॉर्ड बुद्धा पर डिलीवर्ड एट द रीजन श्रावस्ती 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 वाज द कैपिटल ऑफ कौशल प्रदेश कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे तो इट वॉज़ फेमस फॉर बुद्धाज शर्मन बुद्धा शर्मन तो बुद्धा के शर्मन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस रीजन था ये तो ये कौशल हमारे सोलह महाजनपद हुए इन सोलह महाजनपदों में से केवल आपको ये याद रखना है कि कौन सा महाजनपद कौन से राज्य में स्थित था और कौन से महाजनपद की कौन सी राजधानी थी तो कौन सा महाजनपद किस रीजन में प्रसिद्ध था किस महाजनपद की कौन सी राजधानी थी ये आपको याद होना चाहिए ठीक है इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि कोई महाजनपद के किनारे कोई नदी है तो उस नदी के बारे में रिवर के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि ये किस रीजन था इससे ज़्यादा डेप्थ में इस एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे लेकिन फिर भी हमको चीज़ें बहुत ज़्यादा पता होती हैं तो कम याद रखने में आसानी होती है तो इस प्रकार से हम महाजनपदों की एक लिस्ट बना करके उसको याद कर सकते हैं और मैप पर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि कौन से स्टेट में है कौन कौन से स्टेट में ये फैले हुए हैं तो कौन कौन से स्टेट में महाजनपद हैं राजस्थान में महाजनपद है उत्तर प्रदेश में महाजनपद हैं सबसे बड़ी संख्या में बिहार में आज के में महाजनपद हैं वहाँ भी महाजनपद हैं पाकिस्तान, भारत से बाहर दो महाजनपद हैं कम्बोज और हटक कम्बोज और गंधार दो महाजनपद हैं इसके अलावा सबसे दक्षिणी महाजनपद की अगर हम बात करेंगे तो सबसे दक्षिणी महाजनपद हमारे पास कौन सा था अस्मक जो गोदावरी नदी किनारे है पूर्व की बात करेंगे तो वहाँ पर अंग और मगध सबसे फेमस महाजनपद थे अब इन महाजनपदों में अलग अलग राजा शासन करते थे इन महाजनपदों में तो निश्चित ही हर राजा के मन में अलग प्रकार की भावनाएं आती थी कि वो अपने राज्य को शक्तिशाली बनाए पावरफुल बनाए तो जब राजाओं ने अपने राज्य को पावरफुल बनाने के लिए एक्सपेंशन करना शुरू किया द रिजल्ट ऑफ पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट अमंगस्ट सिक्सटीन महाजनपद एंड इट्स किंग ब्रॉट द राइज ऑफ मगध इसके बाद ही मगध का जो राइज है वो हुआ मगध का राइज मतलब है कि कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेज बने कि जो सोलह महाजनपद थे उनमें से एक मगध था उस मगध का क्या हो गया एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन वो एक्सप्लोर कर गया मगध बहुत पावरफुल हो गया और उसका एरिया धीरे धीरे करके बहुत बड़ा हो गया मगध का एरिया समझ पाए तो ये उस समय का सबसे प्रसिद्ध था मगध अब हम जो सोलह महाजनपद हैं उसमें उसके बाद हम लोग